बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन AITI सेंटर बठिंडा से। तो प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मादा के प्रजनन अंगों के बारे में। थोड़ी सी बात आपको पहले बताना चाहता हूं, ये किसानों के लिए अति ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी गायें या भैंसें हम अपने घरों में रखते हैं, आजकल तकरीबन 90% ये गायें और भैंसें हम लोग कृत्रिम गर्भधारण से इनकी यही करवाते हैं। इनको गर्भदान करने का जो तरीका हम लोग अपनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए इनको गर्भदान करवाया जाता है। तो इसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि मादा के प्रजनन अंग अंदर कैसे कैसे होते हैं। और इसके एडिशनल गांव में जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे रहते हैं या फिरते हैं, जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, उनको भी इन अंगों के बारे में ज़्यादा समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको इन अंगों की थोड़ी सी समझ होगी, वो 3-4 महीने का या 9 महीने का कोई ऐसा डिप्लोमा करके इस चीज़ को अडॉप्ट करके गांव में अपना रोजगार भी चला सकते हैं और अपना काम शुरू करके गांव के लोगों को ये सेवा भी मुहैया करवा सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे मादा के प्रजनन अंगों के बारे में, जिसमें गाय या भैंसें आ जाती हैं। आप लोग ये सामने बड़ी डायग्राम को देख रहे हो, इसमें ये मादा के प्रजनन अंग गाय या भैंस के शरीर में कैसे होते हैं, ये आपको वैसे ही दिखलाए गए हैं। सबसे पहला जो अंग है, जिसको हम मुख्य अंग बोलते हैं, जो नंबर 1 पे दर्शाया गया है, इसको हम लोग ओवरीज बोलते हैं। ये ओवरीज, या इसको हिंदी पंजाबी में आप लोग अंडे दानियाँ भी बोल सकते हो, जिसको 1-2 ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। इन ओवरीज या अंडे दानियों का काम अंडे पैदा करना है। अगर ये अंडे दानियाँ नहीं होंगी तो उस मादा में अंडे पैदा नहीं होंगे। अगर अंडे पैदा नहीं होंगे तो वो मादा कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए अंडे दानियों का होना ही एक मादा के प्रजनन क्रिया में भाग लेने की ये एक ज़रूरत है। कई केसों में ये अंडे दानियाँ बहुत छोटी होती हैं। अगर अंडे दानियाँ छोटी भी होती हैं तो भी उनमें अंडे की पैदाइश नहीं होती, तो ऐसी भी मादा पशु कभी बच्चे को जन्म दे नहीं पाती। लेकिन अंडे पैदा करने के साथ साथ ये जो अंडे दानियाँ हैं, ये कुछ ऐसे रस पैदा करती हैं, जिन रसों का काम आपकी सारी प्रजनन की प्रक्रिया में समय समय पर ऐसे रस पैदा करना है, जो रस उसकी मदद करते हैं उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लेकिन ये नहीं कि ये एक तरह के रस पैदा करते हैं, जैसे रसों की शरीर को ज़रूरत होती है, जिस तरह के शरीर को ज़रूरत होती है ताकि प्रजनन क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो पाए, उसी तरह के हार्मोन्स इस अंडे दानियों के भीतर पैदा होते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो मादा पशु माँ बन नहीं पाती, इसलिए इसको मुख्य अंग कहा गया है। इसके आगे जो भाग हैं प्रजनन अंगों के, उसमें ये ऐसे ट्यूब्स वर्गी स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स भी 2 होती हैं, एक राइट साइड पे और दूसरी लेफ्ट साइड पे। लेकिन इन ट्यूब्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जिसको हम लोग इन्फंडिबुलम कहते हैं, ये ऊपर से चौड़ा और फनल शेप्ड होता है, जैसे हम लोगों की कीप होती है, कीप के आकार का होता है। जो ही अंडा अंडे दानी से गिरता है, ये इस फनल शेप्ड में, इस कीप में गिर जाता है और गिर के ये नीचे को आता है। सो फलोपियन ट्यूब्स का काम क्या हो गया, ये अंडे को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आती हैं, या हम कह सकते हैं ये अंडे को ट्रांसपोर्टेशन करना काम ये फलोपियन ट्यूब्स का है। लेकिन अगर आप, जब आप लोग इसका काम करना चाहोगे, तो आप लोग कभी भी इस फेलोपियन ट्यूब्स को महसूस नहीं कर पाओगे। ये इतनी पतली होती हैं कि ये आप लोगों को हाथ से कभी महसूस नहीं हो पाती। सो इसके आगे जो तीसरा ऑर्गन है, जिसको हमने दिखाया गया है, ये ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ यूट्रस। ये हॉर्न ऑफ यूट्रस, या जिसको हम लोग बच्चेदानी भी कहते हैं, ये बच्चेदानियाँ भी 2 होती हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे।
इन बच्चेदानियों का काम बच्चे को अंदर बिल्कुल महफूज रखना है, बच्चे को अंदर उस प्रेगनेंसी को बचा के रखना है। ये बच्चे को हर तरह का खाना, हर तरह के पहनने के लिए कपड़े और उसके डिफेंस ऑर्गन्स का काम करती है। जो भी बच्चा मादा के अंदर पलता है ये बच्चेदानी में ही पलता है, और इसी बच्चेदानी में उसको खुराक भी मिलती है, उसको डिफेंस भी मिलता है, उसको कंप्लीट कवरेज भी मिलती है। ये बच्चेदानियाँ भी दो होती हैं, और ये देखो मैंने दिखाया गया है, ये बच्चेदानी की अंदरली सतह पे ऐसी गांठें होती हैं जिसको हम लोग माता की गांठें या मेटर्नल कॉटिलीडेंस बोलते हैं। आपने देखा होगा जब पशु की जेर पड़ती है तो जेर के ऊपर भी गांठें होती हैं। जेर की गांठें और ये बच्चेदानी की गांठें ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाती हैं। जब ये दोनों चीज़ें फ्यूज हो जाती हैं तो बच्चा बीच में बिल्कुल सेफ पड़ा रहता है। लेकिन जब पशु के भीतर से बच्चा बाहर आता है, जब उसका पार्चुरेशन का टाइम होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम के बाद ये दोनों गांठें अलग हो जाती हैं। जेर की गांठें अलग, बच्चेदानी की गांठें वहीं पर पड़ जाती है, और जेर गांठें अलग होने के कारण बाहर आ जाती है। इसलिए इन गांठों की विशेष महत्वता है, ये जेर के साथ रल के बच्चे को प्रॉपर से उस पोजीशन में बना के रखती है, उस बच्चे को नीचे गिरने नहीं देती। सो इसके आगे का भाग आ गया, ये कॉमन पार्ट दो बच्चेदानियों का जो साझा जगह है, ये जगह है, इसको हम बच्चेदानी का शरीर बोलते हैं। ये केवल एक होता है, बच्चेदानियां दो होंगी लेकिन शरीर उनका एक होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे तय है, अगर अंडा इस राइट साइड की अंडेदानी में पैदा हुआ है तो बच्चे की प्रेगनेंसी कहाँ होगी, वो राइट साइड की बच्चेदानी में होगी। अगर अंडा लेफ्ट साइड की अंडेदानी में पैदा हुआ है तो बच्चे की प्रेगनेंसी भी लेफ्ट बच्चेदानी में होगी। अगर इस अंडेदानी ने दो अंडे पैदा कर दिए तो इस बच्चेदानी में, राइट साइड की बच्चेदानी में दो बच्चे होंगे। अगर एक इस अंडेदानी ने तीन अंडे पैदा कर दिए तो यहाँ पे तीन बच्चे ही होंगे। जितने अंडे जिस तरफ की अंडेदानी में पैदा होते हैं उस तरफ की बच्चेदानी में उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? आगे बात होती है, अगला हिस्सा है ये छोटा सा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स या इसको हम बच्चेदानी का मुंह भी बोल सकते हैं। ये एक जरिया है बच्चेदानी के बाहर से अंदर जाने का और अंदर से बाहर आ जाने का। केवल एक ही रास्ता है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। जो चीजें यहां बाहर से अंदर को जाती हैं क्या जाएंगी? केवल वीरज। जब हमारी गाय या भैंस नई दूध होती है या हम उसको एआई करवाते हैं या उसकी एआई करने के वक्त हम लोग सीमन अंदर डिपॉजिट करते हैं तो सीमन इस रास्ते बाहर से अंदर को जाता है। लेकिन कहां पे जाएगा? आगे इसके दो बच्चेदानियां हैं, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की। लेकिन जो सीमन जाएगा किस तरफ जाएगा? जिस तरफ अंडा पैदा होगा सीमन उस तरफ अपने आप जाएगा, क्योंकि सीमन के भीतर स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म्स जब हम अंदर गिराते हैं तो ये स्पर्म्स मूव करके आगे को जाते हैं, लेकिन जाएंगे किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में अंडा पैदा होगा सभी स्पर्म्स उस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर अंडा इस अंडेदानी ने पैदा किया है या राइट साइड की अंडेदानी ने पैदा किया है तो सारे स्पर्म्स यहां से राइट साइड को जाएंगे। अगर अंडा लेफ्ट साइड में पैदा हुआ है तो सारे स्पर्म्स लेफ्ट साइड पर जाएंगे, क्योंकि अंडे और स्पर्म्स के भीतर एक कुदरती अट्रैक्शन होती है, कुदरती खिंचाव होता है, वो हमेशा उसी तरफ जाता है जिस तरफ पे अंडे होते हैं। सो इसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, लेकिन ये बच्चेदानी का मुंह हमेशा बंद रहता है। ये कब खुलता है? केवल दो ही ऐसे मौके हैं जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है। एक बार तो जब पशु हीट में आता है, जब मादा पशु हीट में आती है, हीट में आने के वक्त ये बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। क्यों खुलता है? खुलने का कारण मेन क्या है? क्यों इसके भीतर से स्पर्म्स को अंदर जाना होता है। अगर ये बंद रहें तो स्पर्म बाहर से अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर अंदर नहीं जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी।
इसलिए हीट के वक्त इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स के अंडर ये बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और इससे सीमन और उसके स्पर्म्स आगे को अंदर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी होने के पश्चात ये बच्चे इस सर्वेक्स का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन तब वापस कब खुलता है, जब बच्चा पैदा करने का समय आता है तब दोबारा फिर इसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि उस वक्त बच्चेदानी से उस पूरे बच्चे को इसके जरिए बाहर आना होता है, इसलिए तब भी वो खुलता है। और तीसरी बात, जब बच्चा भी बाहर आ जाता है तो उसके कुछ घंटों के बाद जेर, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा को भी बच्चेदानी से बाहर आना होता है। तो ऐसे केस में तब तक बच्चेदानी खुली रहती है जब तक प्लेसेंटा बाहर ना आ जाए। इसके एडिशनल कई बार जब बच्चेदानी में कोई ऐसी चीज़ होती है जो बच्चेदानी को जिसकी ज़रूरत ना हो, जैसे बच्चेदानी के भीतर रेशा पड़ गया, तो ऐसे समय भी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है ताकि वो रेशा बाहर आ सके। इसलिए अक्सर प्राय तौर पे देखा गया है कि सर्वेक्स का मुंह एक तो हीट के वक्त, एक बच्चा पैदा करने के वक्त, या बच्चेदानी में ऐसी कोई चीज़ हो जो हम लोगों को नहीं चाहिए, तब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है, अदरवाइज बच्चेदानी का मुंह हमेशा बंद रहता है। इससे अगला ऑर्गन आ गया ये वजाइना पार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में या पंजाबी में योनी बोल देते हो आप लोग। ये वो मादा का अंग है, जब हम गाय या भैंस को नए दूध करवाते हैं या उसकी मेटिंग करवाते हैं, नर का प्रजनन अंग जिस हिस्से में चलता है, जिस हिस्से में आगे पीछे होता है, उसको हम वजाइना पार्ट बोलते हैं। लेकिन आमतौर पे जो वजाइना का पार्ट है, ये अंदर से बिल्कुल गुदगुदा होता है, ये रेशम की भांति बिल्कुल नरम होता है। नरम इसको इसलिए होता है ताकि नर के प्रजनन अंग को संभोग के वक्त ज़्यादा चोट ना आए, क्योंकि अगर ये पार्ट सूखा होगा या इसमें जो अंदर मसल्स हैं वो थोड़े से करड़े होंगे तो उसमें नर के प्रजनन अंग को चोट लगेगी, उसको चोटें आएंगे, वो दर्द महसूस करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस वजाइना पार्ट में थोड़ी सी ग्रंथियां होती हैं, इस ग्रंथियों का काम रस पैदा करना है, और इस रस को हम लोग क्या बोलते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज, या आप जिसको तारे बोल देते हो। हीट के वक्त जब पशु गाय हीट में आती है या भैंस हीट में आती है, उसके बाहर जो तारे आती हैं, ये वो वजाइनल सेक्रीशन है जो हीट के वक्त पैदा होता है और बाहर आता है, जिसको आप लोग तारे बोलते हो। लेकिन इसका असली काम क्या है, ये वजाइना को अंदर से गीला रखता है। जब गाय या भैंस हीट में आती है तब ये वजाइनल सेक्रीशंस पैदा होते हैं, ये वजाइनल सेक्रीशन वजाइना को अंदर से गीला करते हैं। अगर वजाइना अंदर से गीली होगी तो नर के प्रजनन अंग को अंदर जाने में परेशानी कम होती है और उसको चोट कम लगती है। अगर उसमें ये सेक्रीशंस पैदा नहीं होंगे तो इस वजाइनल पार्ट की गीलापन नहीं आता, गीलापन ना आने की वजह से सूखा रहता है और नर के प्रजनन अंग को थोड़ी सी चोटें या खिसड़ें थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं। इसलिए ये वजाइनल सेक्रीशन का पैदा होना भी अत्यंत जरूरी है ताकि नर के प्रजनन अंग को चोट कम से कम लगे। और सबसे बाहर का पार्ट जो आप लोग गाय या भैंस के बाहर देखते हो, इसको हम लोग वल्वा बोलते हैं। इस वल्वा को आपने बाहर से देखा होगा, बाहर से ये वल्वा ऐसे होती है, इसके दो लिप्स होते हैं जिनको हम वल्वुलर लिप्स बोलते हैं, एक ये लिप्स और ये लिप्स, ये ऐसे खुल सकते हैं, अगर हम इसको खोलें तो ये ऐसे खुल जाएंगे। ये वल्वुलर लिप्स, लेकिन आप लोगों ने सभी देखा होगा, ये मादा के प्रजनन अंगों का बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, बाकी सभी हिस्से अंदरूनी हैं, इनको हम लोग बाहर से नहीं देख पाते, लेकिन वल्वुलर लिप्स को हम लोग बाहर से देख पाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा वल्वुलर लिप्स जो दोनों होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, ऐसे साथ में लगे रहते हैं। इसमें साथ में लगे होने का ये क्या कारण है, हमारे जो एनवायरमेंट है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, इसमें लाखों तरह के बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं।
अगर ये दोनों किनारे आपस में सटे ना होंगे या ऐसे खुले होंगे तो इस जगह से हज़ारों तरह के जरासीम अंदर जा सकते हैं। अगर अंदर जाएंगे तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती रहेगी। अगर बच्चेदानी में बार बार इन्फेक्शन होती रहेगी तो वो मादा बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए ये परमात्मा की देन है कि दोनों किनारे आपस में सटे रहते हैं ताकि कोई भी जरासीम इसके भीतर घुस ना पाए। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस दोनों किनारों के अंदर दो मोरियां होती हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं। जो ऊपर वाली ओपनिंग है, जैसे मैंने ये दिखाया गया है, इसको हम लोग वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। इस वजाइनल ओपनिंग के जरिए नर का प्रजनन अंग अंदर जाता है और इसी ओपनिंग के जरिए बच्चा बाहर आता है। जेर भी इसी जरिए बाहर आती है। ये मोरी ऊपर की तरफ होती है, इसके बिल्कुल नीचे एक छोटी मोरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग ये अंदर को यूरेथ्रा की तरफ जाती है। यूरेथ्रा मतलब ब्लैडर की तरफ जाती है, पेशाब दानी की तरफ जाती है और इस मोरी से पेशाब बाहर आता है। इसलिए जब भी आप लोगों को ईआई करनी होती है, हम लोगों को ईआई गन कहाँ डालनी है, हम लोगों को ईआई गन ऊपर वाली में डालते हैं, ऊपर वाली वजाइनल ओपनिंग में डालते हैं, क्योंकि ये अंदर सीधी जाके इस सर्विक्स के मुंह के अंदर जाती है। इसलिए जब भी आप लोग ईआई गन डालोगे, आप लोग डालते वक्त उसको ऐसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे डालोगे, फिर अंदर जाके थोड़ा उसको सीधा कर दोगे, तब वो सीधी वजाइनल ओपनिंग में जाएगी। अगर आप लोगों ने ईआई गन को सीधा डाला, सीधा डालने से बिल्कुल सामने मोरी आएगी, वो पेशाब वाली मोरी होगी, वो पेशाब वाली मोरी में जाएगी, उसमें आप लोगों की ईआई गलत होगी, ऐसी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी। और अगर किसी गलती से आप लोग इसको यूरेथ्रल ओपनिंग में डाल के वहाँ पे आप लोगों ने सीमन डाल दिया तो पशु उसी वक्त जोर लगाना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी शुरू कर देगा, तो पशु को एक और नई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमेशा ईआई करने वक्त आप लोगों को ईआई गन 45 डिग्री पे ऐसे अंदर लेके जानी है, फिर उसको सीधा करना है, फिर वो सीधी वजाइनल ओपनिंग के भीतर जाएगी। ये सभी मादा के प्रजनन अंगों के बारे में है। इसके बारे में अगर आप किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन जैसा भी हो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सर, पशु के हीट में आने के कितने देर बाद हम एआई कर सकते हैं, मतलब अंडा कितने देर बाद उत्पन्न हो सकता है? टाइमिंग ये किसान भाइयों ऐसे है, जहाँ पे अंडा पैदा होने की बात है या कितनी देर पशु की हीट रहती है, आम तौर पे देखा गया है ये अलग अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में ये हीट का टाइम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम दोगली गायों की बात करें, दोगली गायों में जो उसकी नॉर्मल हीट 18 से 24 घंटे रहती है, 24 घंटों में उसकी हीट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम देसी गायों की बात करें, देसी गायों में हीट जो 12 से 18 घंटे तक रहती है नॉर्मली, कई केसों में 24 घंटे तक एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन अगर हम भैंसों की बात करें तो भैंसों में हीट तकरीबन 12 से 16 घंटे तक ही रहती है। लेकिन हम लोगों को एआई कब करनी है, सबसे अहम क्वेश्चन ये है, हम लोग हमेशा जब हीट के ख़त्म होने का वक्त आता है, जब हीट ख़त्म होने वाली होती है तब हम लोग उसकी एआई करते हैं, क्योंकि ख़त्म होने के वक्त ही अंडे की पैदाइश होती है। नॉर्मली दोगली गायों में आप लोग तकरीबन जब उसकी हीट आनी शुरू होती है उसके 18 घंटों के बाद आप लोग एआई करोगे, 18 से 24 घंटों के भीतर भीतर एआई करोगे, उसमें आप लोगों की कंसेप्शन बहुत अच्छी होगी। इस तरह देसी गायों में अगर आप लोग 16 घंटों के बाद एआई करोगे, 16 से 22 घंटों के बाद, तो आपकी एआई का रिजल्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन एज फार एज बफलोस आर कंसर्न, भैंसों के केस में ज़्यादा पशु रींगते नहीं हैं, भैंसों की साइलेंट हीट आती है जिसको हम लोग चुप हीट बोल देते हैं या गूंगा हीट बोल देते हैं। वो भैंसें बैलिंग नहीं करती, चिल्लाती नहीं हैं, तो कई बार ऐसी भैंसों का हम लोगों को खुद को पता ही नहीं चलता कब वो हीट में आती है, कब वो हीट में नहीं आती। लेकिन ज्यों ही आप लोग भैंस की तार को देखोगे, भैंसें मैंने बोला 70% भैंसें चलाती नहीं हैं, जब भी आप लोग भैंस की तार को देखोगे
तार के देखने के 5-6 घंटे के भीतर आप लोगों को उसकी एआई कर देनी चाहिए, उसमें आप लोगों को रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। ठीक है बेटे। सर जो पशु हीट चाहता जी, दो तीन तीन दिन लगातार ही हीट च रहा, वह कारण की होंगे जी? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि दोगली गायों में, स्पेशली दोगली गायों में नॉर्मली इनकी हीट 24 घंटे रहनी चाहिए, और 70-80% दोगली गायों में ये हीट 24 घंटे ही रहती है। लेकिन 20-30% ऐसी दोगली गायें हैं जिनकी हीट कई बार 2 दिन, कई बार 3 दिन, कई बार 4-4 दिन भी रहती हैं। लेकिन ये क्या होता है, कई बार अंडेदानी में अंडा पैदा होने की व्यवस्था तो शुरू हो जाती है, लेकिन अंडा वो जो उस पर वेसिकल बनता है जिसमें अंडा होता है, वो कई बार टूटता नहीं है। अगर वो नहीं टूटेगा तो अंडा अंडेदानी से ये इस फलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा। जब तक अंडा पैदा नहीं होगा, इसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, अंडे का पैदा होना। अगर अंडा पैदा नहीं होगा तो पशु की हीट चलती रहेगी। कई केसेस में अंडा 24 घंटे बजाय 36 घंटे में पैदा हो गया या 48 घंटे में पैदा हो गया। जो ही अंडा पैदा होता है तभी उसकी हीट खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई केसेस में अंडा 3-3 दिन पैदा नहीं होता, कई केसेस में 4-4 दिन पैदा नहीं होता। लेकिन अगर अंडा पैदा ही ना हो तो पशु की हीट लंबी चलती है। और लेकिन प्राय अक्सर देखा गया है, अगर 48 घंटों के भीतर अंडा पैदा हो जाए, जिसको हम लोग डिलेड ओवुलेशन बोलते हैं, अंडे का लेट पैदा होना, ऐसे केस में आप लोग 48 घंटों के भीतर भी उसकी एआई कर सकते हो। लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनका अंडा 3-3 दिन पैदा नहीं होता, 4-4 दिन पैदा, उसके बाद भी पैदा होता ही नहीं है। और प्राय अक्सर देखा गया कि जिनका अंडा 72 घंटों में पैदा नहीं होता, उनमें अंडा पैदा ही नहीं होता। इस कंडीशन को हम लोग एन ओवुलेशन बोलते हैं। एन ओवुलेशन अंडा पैदा होना का एब्सेंट होना, अंडा पैदा ही नहीं होता। अगर आप लोग ऐसे केस में 3रे दिन या 4थे दिन यही करोगे तो पशु की कंसेप्शन नहीं होगी, उसकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर अंडा ट्यूब्स में आया ही नहीं होता। तो ऐसे केसेस में अगर आप लोगों को इसकी थोड़ी सी और जानकारी लेनी है, हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं जो अंडा पैदा करने में सहायक होते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को अपने लोकल डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए कि अंडा पैदा करने के वक्त हमें किस वक्त कौन सा हार्मोन देना चाहिए ताकि समय पर अंडा पैदा हो जाए, और उस हार्मोन देने के कितने दिन, कितने घंटों के बाद हम लोगों को उसकी यही करनी चाहिए ताकि अंडा पैदा होने के बाद स्पर्म्स भी पहुंच जाए और उसकी प्रेगनेंसी हो जाए। ओके, जो जी अपना पशु गब हो जाता जी, उस बाद भी तारा देता रहता जी, वह कारण है? कभी कभी, हाँ जी कभी कभी। ये किसान भाइयों ऐसे है कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोगों की गायों और भैंसों की प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई पशु तारे गिराते रहते हैं। इसके दो तरह के केसेस आते हैं। एक बार कई केसों में परमानेंटली डिस्चार्ज आता रहता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो केवल 21 दिनों के बाद ही दोबारा पशु हीट में आते हैं। ये दोनों बातें संभव हैं। दोगली गायों में हमने देखा है, सभी नहीं, कुछ एक गायें, मैक्सिमम नॉट मोर देन 1%, ऐसी गायें दोगली होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद भी 21 दिनों के बाद थोड़े थोड़े अपने हीट की निशानियां दिखाती हैं। लेकिन ये बहुत ही कम केसों में ऐसा होता है। बार बार 21 दिनों के बाद पशु का हीट में आ जाना, इसमें कई बार जो हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए चाहिए, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, कई बार उसकी डेफिशिएंसी के कारण पशु 21 दिनों के बाद थोड़े थोड़े हीट सिम्टम्स शो करता है। लेकिन अगर हीट सिम्टम शो करता है और आप लोगों को उससे पहले कि आप लोग उसकी ईआई करवाएं या उसकी आपको प्रेगनेंसी कन्फर्म कर लेनी चाहिए। कई बंदे हमारे जो फील्ड में काम करते हैं, जो नए होते हैं, जिनको काम की पूरी समझ नहीं होती, अगर वो ऐसे पशु को ईआई कर देंगे, पशु की प्रेगनेंसी होगी, केवल ये चीज़ सोच के कि ये पशु को नहीं हीट में आ रहा है, तो उसके अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए एआई करने से पहले
हमेशा ही आप लोगों को प्रेगनेंसी चेकअप करनी है। अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव है तब आप लोग उसकी ए कर सकते हो, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आपको उसको ए करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे सकते हो। दूसरी बात होती है, कई बार पशु प्रेगनेंसी के बाद लगातार डिस्चार्ज गिराते रहते हैं। ये एक बीमारी है जिसको हम लोग लकोरिया बोलते हैं। ये लकोरिया केवल वजाइनल हिस्से में, ये इसके इस हिस्से में बीमारी होती है। ये डिस्चार्ज केवल इस हिस्से से आता है, बच्चेदानी आगे रह जाती है, बच्चेदानी यहाँ से बंद हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये जो रास्ता है बीच में जाने वाला, इसके भीतर एक मांस की सील बन जाती है, वो अंदर से रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है तो यहाँ पे लकोरिया पानी के रूप में वो डिस्चार्ज आता रहेगा, लेकिन उसका प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना, ये प्रेगनेंसी में इंटरफियर नहीं करती, ठीक है बेटी। मेरा क्वेश्चन है सर से ये है कि आपने सर कहा कभी दो अंडे भी पैदा हो जाते हैं, कभी तीन भी। अगर मान लीजिए दो अंडे पैदा होंगे तो डिलीवरी के समय इनका जेर एक ही होगा या अलग अलग होगा? प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है कि आप लोगों ने अपनी रूटीन की ज़िंदगी में देखा होगा, तकरीबन 99% पशुओं में एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ केसेस में दो बच्चे भी पैदा होते हैं और कुछ केसेस में तीन बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या कैसे होती है? जब बच्चा पैदा होता है, इस अंडेदानी से अंडा पैदा हुआ, ये अंडा इसके जरिए होके, ठीक है ना, इसी फलोपियन ट्यूब्स के भीतर, जब ये अंडा यहाँ से पैदा होके इस फलोपियन ट्यूब्स के भीतर आता है, तो उस वक्त पशु हीट में होता है। नीचे से हम लोग चाहे एआई के जरिए, चाहे हम लोग नेचुरल सर्विस के जरिए, यानी कि उसको काउबल से मेटिंग करवाने के जरिए, हम लोग अंदर में सीमन गिराते हैं। ये सीमन यहाँ से चलता चलता इस जगह होता होता इस फलोपियन ट्यूब्स के भीतर पहुँचता है। फलोपियन ट्यूब्स में अंडे का और सीमन का, स्पर्म्स का मिलाप होता है। ये बात समझ रहे हो? मिलाप कहाँ पर होता है? फलोपियन ट्यूब्स में। जितने अंडे होंगे उसके भीतर एक स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज कर देगा और वो बच्चा बन जाएगा। अब मान लो इसमें दो बच्चे बन गए, ये दोनों बच्चे जब जहाँ पे फलोपियन ट्यूब से बने, फलोपियन ट्यूब्स में 72 घंटे ये बच्चे वहीं पे रुकते हैं। 72 घंटे के बाद कुछ एक ऐसी चेंजेस आती हैं, ये बच्चेदानी उस नए बच्चे को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जब ये तैयार हो जाती है तब ये बच्चे फलोपियन ट्यूब्स के बच्चेदानी के भीतर आना शुरू होते हैं। अब मान लो कि बच्चे ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये दोनों बच्चे तकरीबन 14 से 15 दिन बच्चेदानी के भीतर घूमते रहते हैं। बच्चेदानी में एक दूध जैसा रस पैदा होता है, वो रस पीते रहते हैं और रस पी के घूमते रहते हैं। लेकिन 17-18 दिनों के बाद क्या होता है, ये दोनों बच्चे इस बच्चेदानी की अंदरली सतह पे कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के उसकी दीवार के साथ चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं कि बच्चा इम्प्लांट हो गया, और यही प्रेगनेंसी का सबसे पहले रिकॉग्निशन है। अगर बच्चे की इम्प्लांटेशन हो गई तो हम कहते हैं कि इसकी प्रेगनेंसी हो गई। अगर बच्चे की इम्प्लांटेशन होने से पहले ही बच्चा मर गया तो हम उसको प्रेगनेंसी नहीं मानते। अगर मान लो कि दो बच्चे आ गए, दो बच्चों की इम्प्लांटेशन हो गई, अगर मान लो एक बच्चा यहाँ पे आ गया, दूसरा बच्चा यहाँ पे आ गया, दोनों बच्चे साथ साथ में एक ही जगह चिपक गए, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है इनकी जेर एक भी हो सकती है, इनकी जेर एक भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में कई बार आपको देखा होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वे बच्चे, जुड़वे का मतलब क्या, उसके कुछ अंग भी जुड़े होते हैं। कई बार उनका शरीर एक होता है लेकिन टांगें उसकी 4 की बजाय 6 भी हो जाती हैं, 8 भी हो जाती हैं, ऐसे ज्वाइंट बच्चे पैदा होते हैं और उन पे जेर भी हमेशा एक होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, एक अंडा यहाँ पे चिपक गया, दूसरा इस हिस्से में चिपक गया, तो इन दोनों की जेर अलग अलग होगी। ये बच्चे दोनों अलग अलग, इनकी ग्रोथ होगी अलग अलग, इनकी डेवलपमेंट होगी अलग अलग जगह पे पलेंगे। जब ये बाहर आएंगे, एक बच्चा पहले बाहर आएगा
उसके कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद दूसरा बच्चा बाहर आएगा, उनकी जेर भी अलग अलग होगी। नॉर्मली प्राय अक्सर देखा गया कि ऐसा ही होता है। थैंक यू सर। मेरा सवाल यह है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस? हाँ, ये बात अच्छी बात है, ये आपके काम की चीज़ भी है प्यारे किसान भाइयों। कितनी देर सीमन बच्चे डालने के अंदर जीवित रहता है? नॉर्मली देखा गया है कि जब हम नेचुरल सर्विस करवाते हैं, कुदरती गर्भदान करवाते हैं किसी ढट्टे से, किसी झोटे से, काऊ बुल से या बफलो बुल से, उसमें सीमन 10 से 12 घंटे भी अंदर जीवित रहता है और बहुत बढ़िया कंडीशन में रहता है। लेकिन जब हम लोग एआई करते हैं तो एआई में सीमन की जो एक्टिविटी है 6 से 8 घंटे बहुत अच्छी होती है, उसके बाद सीमन की एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्चुअली इसका बेसिक कारण क्या है, जब काऊ बुल एक गाय के अंदर सीमन गिराता है उसकी तकरीबन वैल्यू 5 से 6 ml होती है, और जितना सीमन एक गाय के अंदर एक बुल नेचुरल सर्विस के दरमियान गिराता है उससे कम से कम हम लोग 100 टीका तैयार करते हैं। और जो टीका हम तैयार करते हैं उस टीके में कम से कम 10 मिलियन लाइव स्पर्म्स चाहिए। ये बात समझ रहे हो सभी? उस टीके के अंदर जो जिंदे स्पर्म्स होते हैं 10 मिलियन हम लोग मान के चलते हैं कि उसके अंदर 10 मिलियन लाइव स्पर्म्स चाहिए। लेकिन ये 10 मिलियन लाइव स्पर्म्स प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी हैं, लेकिन कई बार सीमन हम लोगों को 1 महीना, कई बार सीमन की प्रिजर्वेशन 2 महीने, कई बार 1 साल, कई बार 2 साल, कई बार इससे भी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। तो उसमें नॉर्मली इसकी कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, तो उसका लाइफ स्पैन 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए आप लोगों को सीमन, इसीलिए हम लोग जब हीट में डालते हैं, एंड ऑफ हीट में डालते हैं, जब उसके अंदर अंडा पैदा हो चुका हो, अंडा पैदा होने के बाद हम सीमन डालने से 6 से 8 घंटे सीमन फर्टाइल रहता है ताकि उसकी प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी हो जाए। फिर भी हमने देखा गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कंसेप्शन रेट नेचुरल सर्विस से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि उसमें अंदर स्पर्म्स की पॉपुलेशन जो स्ट्रेंथ जो क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।